जय श्री राम मित्रों, सबसे पहले तो दीपावली, दीपों के उत्सव, दीपोत्सव की आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं समस्त परिवार की ओर से भी और मेरी ओर से भी। तो आज ऐसे ही मन किया कि आपके साथ एक बात शेयर करूं, और शायद ये जो मैं आपसे अभी बात कहने जा रही हूं ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आपको सुनना भी चाहिए और खुद भी आपको इस पर एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए। बहुत विचारणीय चीज़ जो है अब मैं आपसे कहूँगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आपकी सोच थोड़ी मुझसे मिलती होगी तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी सोच सबसे अच्छी है। बहुत सारे विद्वान हैं मुझसे कई ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और उनकी सोच सराहनीय है, पर मेरा भी एक विचार है। तो दिवाली से रिलेट नहीं कर रही हूँ, सभी त्योहारों से रिलेट करके बताती हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि जितने जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं उन्हीं में हर तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, हर तरीके के बाउंडेशंस भी होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा ही हमारे फेस्टिवल्स पे ऐसा क्यों होता है? आपने ये भी देखा होगा कि हमारी होली आती है तो उस पर कहा जाता है कि पानी ना फेंके, बिना पानी की सूखी होली मनाए। तो क्या आपने सोचा है कि सूखी होली क्या सूखी जो होली है वो मनाई जा सकती है? मनाने वाले देखिए सब तरीके की होली मनाते हैं, वो बिना दीप के भी दिवाली मना सकते हैं, लेकिन होली का असली महत्व जब ही होता है जब हम उसमें रंग किसी के ऊपर छिड़कते हैं, किसी के ऊपर पिचकारियों से पानी डालते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं तरीके से अपनी खुशी जो है व्यक्त करते हैं और हम लोग भी, है ना। तो धीरे धीरे करके ये लोग ऐसी बातें करते हैं और इसी के कारण आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसको भी कभी कभी थॉट में आता है कि हाँ शायद ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, और ये लोग इन चीज़ों को कैच करते हैं। और जब ये लोग इन चीज़ों को कैच करते हैं तो इन लोगों को लगता है कि हाँ शायद ये जो बातें कही जा रही हैं ये किसी हद तक सही है, और ये उसको फॉलो करने लगते हैं। जबकि मेन हमारा क्या है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं हम हिंदू धर्म के अनुसार हम जो अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं ये हम हैप्पीनेस जो है एक दूसरे को कन्वे करते हैं। तो हैप्पीनेस अगर हम किसी को कन्वे कर रहे हैं तो हम अपने, जब हम खुद हैप्पी होंगे जब तो हम दूसरे को हैप्पी कर पाएंगे। तो हम हैप्पी कब होंगे? जब हम थोड़ा सा मस्ती मजाक करें, है ना, हंसी खुशी का माहौल हो, ना कि सिंपल सा हम किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करें। ऐसे ही अभी दिवाली पर कहा जा रहा है कि फटाके ना फोड़ें, बहुत कम वो करें। दिल्ली में अभी ऐसा चल रहा है, तो सिर्फ एक दिन की दिवाली से पूरी दिल्ली में जो है वातावरण वो सिर्फ एक दिन की दिवाली से नहीं आया है, ये पूरा इतने पूरे साल भर भी लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो सिर्फ एक दिवाली के दिन ही ऐसा क्यों? ऐसे ही आप देखें होली दिवाली दो हो गए, रक्षाबंधन पर भी बहुत सारे मिथ्स चलते हैं मिठाइयों को रिलेट करके। मिठाइयाँ बिल्कुल सही बात है, वो मिलावट हर जगह होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप मिठाई खाना ही बंद कर दें, है ना। हो सकता है कि अगर ऐसा है तो आप घर पर बनाइए, उसको सेलिब्रेट करिए, बट अपनी परंपराओं को ख़त्म ना करें बिल्कुल। किसी की भी बात में आकर आप सोचने लगते हैं कि शायद वो सामने वाला सही बोल रहा है और वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि हम भी उस चीज़ को फॉलो करें। अगर सही चीज़ है, सही वे में फॉलो की जा रही है, तो बिल्कुल आप भी उस पर अमल करें और उस चीज़ को करें। बट अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके धर्म को हानि पहुंचा रही है, क्षति पहुंचा रही है, तो फिर आप उस चीज़ को नेगलेक्ट करें और खुद धर्म को बढ़ावा दें, ताकि जो हमारे भी सिबलिंग्स हैं और जो हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन हैं, हमसे बड़े हमसे छोटे, वो सब भी इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपने त्यौहार जो है वो उसी धूमधाम से मनाएं जैसे वो पूरे बचपन से लेकर अभी तक मनाते आ रहे हैं। शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ आपकी भावनाओं को क्षति पहुंची हो तो इसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूं, पर ये मेरा खुद का विचार है और शायद आपको भी अच्छा लगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो दूसरों के पास भी पहुंचे जो इसे देख रहे हैं और शायद ऐसे ही सेम विचार या इससे अच्छे विचार रखते हैं। धन्यवाद। दिवालियाँ वैसे ही मनाई है जैसे आप मनाते हैं, खूब फटाके फोड़िए, दियों की लड़ी लगा दीजिए अपने घरों के सामने, और सिर्फ अपने घरों के सामने ही नहीं, जो छोटे मोटे विक्रेता हैं उनको भी, उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो उनके साथ हम इस दीपोत्सव को मनाएं, ऐसी हम आपसे गुजारिश करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।